क्या भारत और दुनिया के खूबसूरत द्वीपों में से एक लक्षद्वीप डूबने वाला है? क्या लक्षद्वीप के लोगों को कहीं और तलाशना होगा अब अपने रहने का ठिकाना? क्या लक्षद्वीप को डूबने से बचाया जा सकता है? कौन कर रहा है आखिर ये सब दावे और क्या है यह पूरा मामला, यह आपको द वायर एक्सपेंस में बताया जाएगा। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। सबसे पहले हम आपको लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है जो देश के दक्षिण पश्चिमी तट से करीब 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी करवती है। इसका कुल क्षेत्रफल 32.62 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर करीब 65,000 लोग रहते हैं। आमतौर पर यहाँ के लोग मलयालम और इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा जेसेरी और धिवेही बोलियों का भी यहाँ पर उपयोग किया जाता है। लक्षद्वीप हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का कारण था यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लाए जा रहे तमाम नए नियम। अब हम आपको उस स्टडी के विषय में बताएंगे जिसमें यह कहा गया है कि लक्षद्वीप डूबने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर, IIT खड़गपुर और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने यह स्टडी की है। इसमें आयशा जयनाथ, अथिरा कृष्णन, सैकत कुमार पॉल, प्रसाद के भास्करन शामिल हैं। इस स्टडी को भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के तहत किया गया है। इस स्टडी के मुताबिक अगले कुछ सालों में इस द्वीप समूह के चारों तरफ समुद्र का जल स्तर 0.4 मिलीमीटर से 0.9 मिलीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ेगा। यह क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण परिवर्तन की वजह से हो रहा है, जिसके पीछे वजह है ग्रीन हाउस गैसों का तेजी से उत्सर्जन यानी एमिशन। यहां आपको यह बताना जरूरी हो जाता है कि एवरेज ग्लोबल सी लेवल यानी औसतन वैश्विक समुद्री स्तर में 1880 से 2015 के बीच 8.9 इंच की वृद्धि हुई है, जो कि बेहद चिंताजनक है। क्या होगा अगर इस समस्या का नहीं निकाला गया कोई भी समाधान? समय के साथ यह समस्या भयंकर तबाही ला सकती है और इससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। लक्षद्वीप का अगर कोई हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे में है तो वो है लक्षद्वीप का अगत्ती एयरपोर्ट, जो कि एक लंबे से द्वीप पर बना है, लेकिन यह समुद्र से ज्यादा ऊपर नहीं है। इसके बाद इस द्वीप समूह के रिहायशी इलाके चपेट में आएंगे। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया है कि चेतलाट और अमिनी जैसे छोटे द्वीपों का बड़े पैमाने पर भूमि नुकसान की आशंका है। स्टडी में शामिल प्रोजेक्शन मैपिंग के अनुसार समुद्री जल स्तर बढ़ने से अमिनी के तट 60-70% और चेतलाट के तट 70-80% जलमग्न हो जाएंगे, यानी इन पर रहने वाले लोगों को कहीं और जाना होगा, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीप पानी के अंदर चला जाएगा। रीजनल स्टडीज इन मरीन साइंस एल्सेवियर नाम से प्रकाशित एक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित शोध से पता चला है कि तटों के डूबने का व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इसके अनुसार समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटों पर रहने वाले द्वीपवासी सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में कई आवासीय क्षेत्र समुद्र तट के काफी करीब हैं। द्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा अगत्ती द्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। समुद्र के स्तर में वृद्धि से यहाँ बाढ़ आ सकती है, जिससे सबसे अधिक क्षति होने की आशंका है। क्या लक्षद्वीप को डूबने से बचाया जा सकता है? इस स्टडी में जो बातें बताई गई हैं उसकी मदद से सरकारें और नीति बनाने वाले लोग सही फैसला ले सकते हैं कि कैसे समुद्र के बढ़ते जल स्तर से लक्षद्वीप को बचाया जाए। केंद्र सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो छोटे और लंबे समय के लिए फायदेमंद साबित हों। इसका लाभ लक्षद्वीप समूह पर रहने वाली आबादी को मिल सके, उन्हें प्राकृतिक तौर पर होने वाले सभी नुकसानों की भरपाई हो सके। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिकों की सलाह है कि लक्षद्वीप के लिए समुद्र स्तर में अनुमानित वृद्धि के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए योजना दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उपयुक्त तटीय सुरक्षा उपायों
और सर्वोत्तम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अपनाया जाना अति आवश्यक है। इस स्टडी में सिर्फ समुद्र के जल स्तर के बढ़ने पर ही फोकस नहीं किया गया है, बल्कि लहरों से मिलने वाली ऊर्जा, अरब सागर के तूफानों के प्रभाव का अध्ययन, जल स्तर में इजाफे का असर, आवासीय द्वीपों पर पीने योग्य पानी की किल्लत संबंधी दिक्कतें, साफ सफाई को भी शामिल किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह था, लेकिन अब 35 ही बचे हैं। कुछ समय पहले यहाँ का पराली द्वीप समुद्र में डूब चुका है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज समुद्र के जलस्तर बढ़ने के संबंध में पहले ही विश्व को चेतावनी दे चुका है। उसने ग्रीन हाउस गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC-11 के उत्सर्जन यानी एमिशन को कम करने की सलाह दी है, जिसके लिए देशों को फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस का इस्तेमाल बंद करना होगा, जिसके लिए सभी देशों को नेट न्यूट्रलिटी अपनानी होगी, यानी जितना कार्बन प्रकृति में छोड़ा जाएगा उतना कार्बन कंज्यूम किया जाएगा। कार्बन को कंज्यूम करने के लिए वृक्षारोपण जैसी चीजों का सहारा लेना होगा। इसके अलावा देशों को रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग की सलाह भी दी गई है। अब जिस हिसाब से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, देश विदेश की सरकार के एजेंडे से प्रकृति की चिंता गायब है, तो ये सारी समस्याएं होना लाजमी है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।